Welcome, welcome! मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोपियां के यूसुफ साहब, जिन्होंने इस मीटिंग को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। सभी सीनियर वर्कर्स को हमने यहाँ पे बुलाया है, जिनको जिम्मेदारी दी है कि 30 मार्च तक हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी की कमेटी बन जानी चाहिए। मैं करने वाला नहीं हूँ, लेकिन हमें उम्मीद है कि चुनाव बहुत जल्दी होगा और यूनियन टेरिटरी में ही होगा। और जिस प्रकार से ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के उस फ्लोर पे कहा है, यहाँ पे स्टेट हम देंगे, ये यूटी ही रहने वाला है, स्टेटहुड मिलेगा। हाँ, कुछ लोग स्टेटहुड के नाम पे अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, वो करें, लेकिन होम मिनिस्टर साहब की जो बात है वो पत्थर की लकीर है। राहुल गांधी जी को इतना अहंकार, इतना घमंड हुआ है कि वो अब देश के कानून को, देश के जुडिशरी को चैलेंज करते हैं। बड़ी अजीब विडंबना है, एक व्यक्ति, इतनी बड़ी पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति, जो एक पर्टिकुलर कास्ट को लेके तंज कसता है, और कोर्ट ने उसे इतनी तक सहूलियत दी कि आप एक बार अफसोस प्रकट करो, कोर्ट की अवमानना करना, कोर्ट को ये बोलना कि नहीं, मैं अपोलोजाइज भी नहीं करूंगा, सॉरी भी नहीं कहूंगा। और उसके बाद कोर्ट ने तो अपना फैसला सुनाना था, कोर्ट ने फैसला सुनाया तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, डायरेक्टिव है कि जो भी लेजिस्लेटर, जो भी पार्लियामेंटेरियन या जनप्रतिनिधि 2 साल की कन्विक्शन में आता है, उसे डिसक्वालीफाई माना जाएगा। मनमोहन सिंह साहब ने एक बिल लाया था, उनने कहा था कि इस 2 साल की कन्विक्शन को हम बढ़ा के 5 साल करेंगे। उस बिल को इस युवराज ने किस प्रकार से मीडिया के सामने फाड़ा था, याद है आपको? वो तो खुद ही फंसे, वरना मनमोहन सिंह ने बोला था 5 साल रखेंगे, उनने कहा नहीं 2 साल ही, इसलिए इस बिल को फाड़ देता हूँ, इस ऑर्डिनेंस को फाड़ देता हूँ। आज उसी में खुद फंसे। अब जब उन्होंने खुद उस बिल को फाड़ा, ये कहा कि 2 साल ही होना चाहिए, तो उन्हें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये कानून अपना काम करता है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पे, गांधी फैमिली को लगता है कि हम पिछले 4 पीढ़ियों से यहाँ पे राज कर रहे हैं, हमारे लिए कानून अलग होना चाहिए, आम आदमी के लिए अलग होना चाहिए, जो हो नहीं सका, जो पॉसिबल अब है नहीं, उनको उस अहंकार से बाहर आना चाहिए। कानून सबके लिए एक है। राहुल गांधी ने अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए गलत बोला, गाली गलौज दी, तो उसे भुगतना पड़ेगा। हाँ, हम कहते हैं कि अगर आप सियासी विरोधी हो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, मोदी जी की राजनीतिक पॉलिसी को आप विरोध करो, वो उनके पास है नहीं, अब सिर्फ एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है राहुल गांधी और लोगों की सिंपैथी बटोरना चाहता है, जो मुझे लगता है कि अब संभव नहीं है।